हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एनटीएस प्रिपरेशन विद एक्यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो पास्ट पेपर जो मैंने जो पहले ही सॉल्व कराए थे, जिसने नहीं देखे वो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वहाँ देख सकता है। ठीक है, पहले भी हमने वो पास्ट पेपर्स जो थे वैक्सीनेटर के वो भी मैंने सॉल्व करवाए थे। अभी ये दूसरे पास्ट पेपर्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है, जो मुझे मिले हैं। और आगे चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। मैं आपको एक पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी जो पास्ट पेपर्स हैं उसकी तरफ। तो मैं यहाँ से ये उठाऊँ मार्कर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो तोसी प्रोग्राम बरए हिफाजती टीका जात का पाकिस्तान में कब आगाज हुआ, ठीक है, जिसको हम EPI कहते हैं, EPI जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। वो आपको एब्रीवेशंस भी आने चाहिए, क्योंकि वो एब्रीवेशंस भी आते हैं, ठीक है। EPI का क्या है फुल फॉर्म? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो जो तोसी प्रोग्राम बरए हिफाजती टीके जाते हैं वो उसका पाकिस्तान में कब हुआ आगाज़ हुआ था, वो 1978 में हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं, जो EPI प्रोग्राम है कौन से साल कौन सा साल जो है प्रॉसिंग मेल है, वो है 2017 था वो, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हेपेटाइटिस बी के हिफाजती टीका EPI प्रोग्राम में कब शामिल किया गया था, ठीक है, जो जिसको हेपेटाइटिस बी जो जो कामन होती है, ठीक है, जिसको हम सिंधी में तो कारिक कामन कहते हैं, वो कब जो है ना है जो EPI प्रोग्राम में उसमें शामिल हुई थी, वो 2002 में हुई थी, ठीक है। गर्दन तोर बुखार और नमोनिया का हिफाजती टीका EPI प्रोग्राम में कब शामिल किया गया था, वो 2008 में, ठीक है, ये आप याद रखें। तो ये आपको जो है टेस्ट में पूछा जाता है, गर्दन तोर बुखार को EPI में कब शामिल किया गया था, हेपेटाइटिस बी को, ठीक है। जो नमोनियोकोकल जो जो हिफाजती टीका है वो EPI में कब शामिल किया गया था, वो 2012 में, ठीक है, 2012 में उसको शामिल किया गया था। तो अब छठा क्वेश्चन है, वो जो रोटा वायरस की का हिफाजती टीका EPI प्रोग्राम में कब शामिल किया गया था, जो रोटा वायरस है, ठीक है, वो तकरीबन 2017 में उसको क्या किया था, EPI में शामिल किया गया था। तशंज से बचाव की हिफाजत टीका ख्वातीन को लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, वो है फर्स्ट और पता नहीं क्या है, जब प्रेग्नेंट होती है ना तब वो लगाए जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है इस वजह से, ठीक है, मुझे भी ये जो है ना वर्चुअल अकेडमी है ना उससे मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो EPI भी कब जो IPV है जो इनवेटेड पोलियो वैक्सीन है, वो EPI में कब शामिल हुई, वो कब हुई थी, 2015 में, ठीक है, 2015 में। TB एक जर्मूसा से फैलती है, ठीक है, कौन सी जरासीम से जो है ना TB फैलती है, वो है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। वो जो जिसने हमारे जो लेक्चर नहीं देखे तो वो सारे उसमें पढ़ सकते हैं, मैंने जो 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 बीमारियां हैं वो हमने कवर की थी और उसके जो शेड्यूल्स हैं वो कब लगाएं, रूट एंड साइड, वो मैंने सब वो उसमें कवर कराया है। और मैंने यही बताया कि कौन सी जो है ना जो बीमारी है वो बैक्टीरिया या वायरस से बनती है, तो ये TB है एक जरासीम है, ठीक है, तो वो किस से, माइक्रोबैक्टीरियम से, ये भी बैक्टीरिया है तो माइक्रोबैक्टीरियम से फैलती है, ठीक है। TB एक बीमारी है, डैश डैश, तो माना जो TB है वो फेफड़ों की एक बीमारी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हेपेटाइटिस एक बीमारी है, कौन सी है, ये जिगरी बीमारी है, जो हमारे जिगर होता है उसमें ये क्या करती है, अटैक करती है, जो हेपेटाइटिस होती है, ठीक। और पोलियो एक बीमारी है, वो जो पोलियो है वो कौन सी बीमारी है, वो एक यार वो क्या होता है उस पर, ये क्लियर तो नहीं है, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, ठीक है। खनाक एक जरसूमा से फैलती है, कौन सी जरासीम से जो है खनाक फैलती है, वो है पता नहीं क्या, यार ये क्लियर तो नहीं है,
जो हैं तकरीबन जो मेडिकल टर्म्स होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इस वजह से याद नहीं होते। तो जिसने नहीं देखी वो हमारी वीडियो वहाँ पर देख सकता है, मैंने सिंधी में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो जो काली खांसी है वो किससे फैलती है, वो ये ब्रोटिला जो पर्सिस होते हैं पर्टिसिस उससे फैलती है। तशंज एक बैक्टीरिया फैलती है, किस बैक्टीरिया से फैलती है जो तशंज होती है, वो है यार ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इस वजह से जो हेपेटाइटिस बीमारी फैलती है वो आलूदगी औजारों से और गैर जिंसी ताल्लुक आलूदा खून तमाम, ये सबसे जो है ना ये फैलती है। ठीक है, गर्दन तौर बुखार और नमूनिया एक जो है ना किस जो है ना वो बैक्टीरिया से फैलती हैं, वो है HIV बैक्टीरिया। ठीक है, खुसरा एक वायरस से फैलती है, जिसको क्या कहते हैं हम, जो मेजलेस वायरस है उसको हम मेजलेस वायरस कहते हैं। ठीक है, जो पेंटावेलेंट कब EPI में शामिल हुई, ठीक है वो 2008 में, मतलब कि वो शामिल हुई थी। पेंटावेलेंट तकरीबन जो पांच हमारी बीमारियां हैं उसके लिए ये एक ही जो है ना वो वैक्सीन लगाई जाती है जिसको हम पेंटावेलेंट कहते हैं। ठीक है, और है BCG किसका मुखफ्फिफ है, मतलब कि BCG है उसका फुल फॉर्म क्या है, वो है बेसाइल कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, कैलीमेट ग्यूरिन, ये आप याद करें, मैंने जो एब्रिविएशन पढ़ाई है उसमें ये मैंने कवर किया है। जो BCG है उसका फुल फॉर्म क्या है, बेसाइल कैलीमेट एंड ग्यूरिन। ठीक है, BCG जल्द में किस की तरह, मतलब कि जो BCG है वो कहाँ पर लगा, मतलब कैसे लगाई जाती है, वो इंट्राडेमल, मतलब कि इंट्राडेमल मीन्स जो जो हमारी स्किन होती है ना वो उसमें लगाई जाती है जो BCG वैक्सीन है। ठीक है, BCG बच्चों को कितनी उम्र में लगाई जाती है, पैदाइश के फौरन बाद लगाई जाती है। ठीक है, BCG कितनी खुराक दी जाती है, वो है 0.05 ml। ठीक है, ml मीन्स मिलीलीटर। 24 ऑप्शन वो है, अगर BCG का टीका लगाने के बाद एक माह बाद इसकर नहीं बना, पता नहीं क्या है बना, तो क्या करना चाहिए। मीन्स ये कह रहा है कि अगर जो एक बच्चा है उसको BCG टीका नहीं लगा हुआ तो उसको क्या करें, उसको क्या करें, दोबारा टीका लगाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, जो क्या है ये मेट्रो वैक्सीन क्या होती है, मतलब कि जिसको जिसकी एप्सा जो है ना एक्सपायरी डेट गुजर चुकी हो उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रो वैक्सीन। ठीक है, और ये है वैक्सीन को ज़खीरा करने का दर्जा है हरारत, मतलब कि कहाँ हम उसको जो है ना रखें, वो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब कि बहुत ठंडी जगह पर। PCV13 बच्चों को किन अमराज से महफूज करती है, ठीक है वो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ये नमूनिया शायद, नमूनिया जो है नमूनिया से ये वो है ना वैक्सीन उससे जो है ना इससे महफूज करती है उस अमराज से। खुसरा की वैक्सीन कैसे दी जाती है, वो है सब वो पता नहीं यार, ये भूल गया हूँ मैं, ये क्लियर भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में पोलियो की मुहिम पहली बार कब शुरू हुआ, वो 1974 में। ठीक है, BCG लगाने के लिए कितनी नंबर की सुई होनी चाहिए, ठीक है वो है 26 नंबर, जो सुई होती है सर्जन होती है उसको वो कितनी की लगाई जाए, वो 24 है। ठीक है, वैक्सीन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सरंज एडी का क्या मतलब है, वो है एरिया, थोड़ा सा यार ये क्लियर नहीं है, आप भी देख सकते हैं क्लियर नहीं है तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, मैं एक तो मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हूँ तो मुझे याद भी नहीं है इतना कि वो इसका एडी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, VVM से क्या मुराद है, ठीक है वो है वेक्टर वाइल, जो वाइल्स होते हैं ना उसको ये VVM कहते हैं। ठीक है, IPV
एक साल के बच्चे को कितनी बार लगाई जाती है? वो एक बार लगाई जाती है, ठीक है। जो IPV है वो कितनी बार लगाई जाती है? एक बार। जो VVM है उसके कितनी अकसाम है? वो है चार अकसाम, ठीक है। जो TT का टीका होता है वो क्या है, किस ज़्यादा मतलब यह है, पता नहीं क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, से लगाया जाता है। उसका जवाब है 90, ठीक है। कितने बदफी अमराज से फर्जी टीका जात लगाए जाते हैं? वो है 10, ठीक है। मतलब जो 10 बीमारियां हैं उसके लिए जो है ना ये टीका लगाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये थे कुछ कुछ MCQs थे पास्ट पेपर्स के जो मैंने आपको सॉल्व कराए। थोड़े से मतलब मुश्किल थे, तो इस वजह से यार वो सॉरी करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।